अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बहनें प्रश्न पूछती हैं, लिख कर भी भेजती है, अभी भी जो लाखी के निमित्त और सब लिख के भेजा, कि आप मन के संकल्पों को शांत कैसे रखते हो। माना मन के कम से कम संकल्प चले, मन की शांति बनी रहे, उसके लिए क्या विशेष मानसिक तैयारी रहती है, क्या आप करते हो, ये एक प्रश्न रहता है। तो मैंने कुछ, मेरा एक फेथ या निश्चय कहें, वो मैंने अपने माइंड में फिट करके रखा है, माइंड में छाप करके रखा है कि वो निश्चय है मेरा, और उसके वो निश्चय मेरे को स्मृति में रहते हैं। तो उन निश्चय की स्मृति रहने के कारण जो है वो थॉट्स बहुत ही इजी, स्लो और शांत रहते हैं। वो निश्चय क्या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कि एक तो है कि पहले क्या था, जब ये निश्चय मैंने नहीं किए थे, ज्ञान में ही था लेकिन ये निश्चय नहीं किए थे, और जैसे पुरुषार्थी जीवन में जिस प्रकार से चल रहे हैं उस प्रकार से चल रहे थे, तो उस समय मन में बहुत चीजें, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ, उसने ऐसे क्यों किया, अच्छा इसका क्या है क्या नहीं है, मुझे वहां जाना है, मेरे को जाने को क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये चीज चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मुझे कोई व्यक्तिगत के लिए नहीं चाहिए, सेवा के लिए ही चाहिए, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें सामने रहती थी। और उनके कारण नेचुरल है, सबसे पहले तो विचार ही चलेगा, तो विचार ही चलते थे। तो उसके बाद जब ड्रामा को अच्छी तरह से समझते गए, बाबा को उसके उसी उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है उस स्वरूप में उसकी शक्तियों के साथ उसको पहचानते गए, हमारे अपने डेस्टिनेशन, अपनी डिनास्टी, अपने डेस्टिनी जो हमारा भाग्य है उसको जब हम समझते गए, तो फिर तीन निश्चय खास मैंने किए अपने लिए, और मैं प्रायः वो निश्चयों को स्मृति में रखकर ही कारोबार करता हूं। पहला निश्चय उसमें ये था कि जो मेरे लिए जानना जरूरी होगा वह बाबा मुझे किसी के द्वारा भी बता देगा। तो जो जानने की उत्सुकता थी ना, कि उसके पास जाके ये सुनूं या उसके पास से ये समाचार लूं या उसको फोन करूं या उससे मिलूं या वहां क्या हुआ या यहाँ क्या हुआ, वहां क्या होना है, यहाँ क्या होना है, ये जो सारे मन में जिज्ञासाएं रहती थी, वो जिज्ञासाएं इस निश्चय से शांत हो गई। अभी मैं बड़ा निश्चिंत रहता हूं कि मेरे लिए जो जरूरी है जानना, वो बाबा मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ईमेल के द्वारा, किसी अन्य विधि से, न्यूज़पेपर के द्वारा, किसी के भी द्वारा वो बाबा मेरे तक पहुंचा देगा जो मेरे लिए जानना जरूरी है। मतलब अब उसके लिए मुझे हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, जो मैं पहले थोड़ा अधैर्य हो जाता था वो होने की जरूरत नहीं है, बाबा जो है मुझे किसी न किसी रूप में, किसी के भी द्वारा वो चीज बता देगा जो मेरे लिए जानना जरूरी है। जो मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है वो मुझे जानना ही नहीं है, जो चीज जरूरी नहीं है वो मैं क्यों जानूं। तो मैं तो बहुत बार मीटिंग से भी उठ के आ जाता हूं, जब आपस में कहीं किसी की बातचीत चल रही होती है, मैंने कहा ये मेरे लिए जरूरी नहीं, मैं क्यों बैठ के सुनूं या जानूं। तो इस प्रकार से जो जानना जरूरी है वो बाबा बता देगा, ये एक निश्चय है। दूसरा निश्चय, जो मेरे पास होना जरूरी है, कि मेरे पास होना चाहिए, जो मेरे पास होना जरूरी है वह बाबा मुझे किसी भी प्रकार से दिला देगा। उसके लिए भी मुझे संकल्प करने की जरूरत नहीं है कि ये चाहिए, मैं उसके लिए योग करूं, मैं उसके लिए ये करूं वो करूं, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा बाबा को पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे क्या चाहिए, किस समय क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, क्या है क्या नहीं, वो सब बाबा मेरे से अच्छी तरह जानता है, तो वो समय पर मुझे वह चीज दिला देगा, ये मुझे विश्वास है, ये मेरा निश्चय है कि बाबा मुझे दिला देगा। इसलिए मुझे अब बाबा के साथ और ड्रामा के साथ जिद करने की जरूरत नहीं है। जो पहले जिद करते थे कि नहीं नहीं ये होना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए, ये ऐसा आएगा, इसके लिए इतना घंटा योग करो,
इसके लिए विशेष ऐसे योग करो वो करो, नहीं, उसकी मैं अपने लिए मैं नहीं करता हूँ। मेरे को ये निश्चय है कि बाबा मुझे जो चाहिएगा वो बाबा, जो मेरे लिए जरूरी है, जो चाहिएगा नहीं, जो मेरे लिए जरूरी है विश्व सेवा के लिए जिसकी जरूरत है, बाबा मुझे वो दिला देगा। तीसरा, जहां मेरा जाना जरूरी होगा वहां बाबा मुझे किसी भी प्रकार से ले जाएगा। पहले ये होता था कि मैं वहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं, ये भी करूं, उनसे भी मिलूं, वो भी करूं, लेकिन फिर वो फुल स्टॉप लगा दिया कि नहीं, अभी जहां मुझे जाना होगा परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होगी जो स्वतः मुझे वहां जाने का मार्जिन मिलेगा, चांस मिलेगा और जाना पड़ेगा। तो मुझे संकल्प करने की जरूरत नहीं कि मुझे वहां जाना है या मेरे को ये वहां करना है, ये नहीं करना है, वो बाबा जो है वो मुझे वहां पर ले जाएगा। तो ये तीन निश्चय जो है इसके कारण से ऐसा कहें कि इच्छाएं नहीं रही है, और इच्छाएं नहीं रही और रखने की जरूरत ही नहीं है। जब ये निश्चय है तब इच्छा रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और सहज रीति से सब हो जाता है। बाबा विल टेक केयर, बाबा सब संभाल लेगा। और इसके कारण मैं बस सकारात्मक सोचूं और सकारात्मक सोचते हैं कि भाई सबका भला हो, सबका कल्याण, जो शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र अंदर चलता रहता है वह मंत्र चलता रहता है और बाबा जो है जितना जरूरी होता है बाबा सब करवा देता है। तो ये कुछ अपने पुरुषार्थ की पॉइंट आपके साथ हमने शेयर किया है।